श्योपुर जिले में खाद की कालाबाजारी रोकने और खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और नारेबाजी करके कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के नाम पर तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया को ज्ञापन दिया। किसान नेता राधेश्याम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में खाद के निजी दुकानदारों के द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। डीएपी एवं यूरिया खाद को तय दाम से अधिक दामों पर बेचे जाने की शिकायत किसानों के द्वारा लगातार की जा रही है और खाद के साथ किसानों को खेती की अन्य दवाइयों को लेने के लिए निजी दुकानदारों के द्वारा मजबूर किया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी करके किसानों का शोषण करने वाले ऐसे दुकानदारों पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में खाद की और विशेषकर डीएपी खाद की कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं और निजी दुकानदारों से खाद की कालाबाजारी के चलते ज्यादा दामों पर खरीदने को मजबूर हैं। जिले में सहकारी समितियों पर डीएपी खाद के पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने की मांग की है, अन्यथा किसानों द्वारा उग्र और व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस मौके पर मूलचंद ढोटी, नाथूलाल रावत सोई, रमेश टोडी, मुकेश हिरनीखेड़ा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। किस मामले को लेकर के यहाँ किसान एकत्रित हुए और किस मामले का ज्ञापन दिया गया? श्योपुर जिले में लगातार खाद की, विशेषकर डीएपी खाद की कमी बनी हुई है, तो हमने प्रशासन से मांग की है डीएपी की किसानों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही यहाँ श्योपुर में खाद की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी व्यापक स्तर पर निजी दुकानदारों के द्वारा की जा रही है, जिसके कारण किसानों का भयंकर रूप से शोषण किया जा रहा है। प्रत्येक दुकान खाद को महंगे दरों पर बेच रहा है एवं किसानों को साथ ही अन्य जो खेती की दवाइयाँ हैं उनके लेके मजबूर किया जा रहा है, तो एक प्रकार से किसानों का शोषण किया जा रहा है। आज हमने यहाँ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देकर मांग की है खाद की कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग को तत्काल बंद कराया जाए एवं खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिले की सभी सहकारी समितियों पर खाद पहुँचाया जाए, अन्यथा श्योपुर जिले का किसान आने वाले समय में व्यापक एवं उग्र आंदोलन करेगा।